अब आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ, चाय के साथ सुबह नाश्ते में आप इसे सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको शामी कबाब रमज़ान स्पेशल 2020 बहुत ही मज़े के और बहुत ही झटपट बनने वाले मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 kg जो है ये रेशेदार शामी कबाब है जो कि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। 1 kg मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त दिया है, इसे मैंने छोटी छोटी पोटियों में मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने की दाल है जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था, तो ये डबल हो गई है। मैं यहाँ पे अपने शामी कबाबों में चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मेरे घर वालों को चने की दाल ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप 1 पाव डालें। यहाँ पे हमें चाहिए नमक हस्बे जायका, लेकिन मैं यहाँ पे 1 tablespoon नमक डाल रही हूँ। हल्दी, फ्रेश हल्दी पीसी हुई 1 teaspoon, अगर आपके पास फ्रेश हल्दी नहीं है पीसी हुई तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon गरम मसाला, 7 से 8 अदद सूखी गोल लाल मिर्चें, 1 teaspoon या 1 tablespoon आप ले लें, मैंने यहाँ पे 1 teaspoon लिया है सूखा हुआ भुना हुआ जीरा, 1 tablespoon सूखा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 teaspoon यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्ची। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी जाएंगी तो ये याद आपने रखना है। और यहाँ पे 2 glass आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। सबसे पहले हमने मटन की बोटियों को बगैर ऑयल बगैर पानी कुछ डाले, इसे अदरक लहसुन और हल्दी के साथ हमने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए भूनना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जो मटन की मीट होती है या थोड़ा सी स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। के साथ हमने इसे 5 मिनट के लिए अभी आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जो मटन है उसका पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। उसे हमने ड्राई करना है, सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए अभी भूना है। और बाकी सारी चीज़ें डाल के जितने भी मैंने आपको मसाले बताए हैं चने समेत हमने इसे गलने के लिए रख देना है। पहले इसे भूनेंगे 5 मिनट। ये देखें 5 मिनट हमने इसे अदरक लहसुन और हल्दी के पेस्ट के साथ मटन की बोटियों को जो है हम लोगों ने भून लिया है। अब इसके बाद ये जितने भी मसाले हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दाल, अब इसमें पानी आपने, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में गलाएंगे, पानी आपने बहुत ध्यान से डालना है। अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो इस कबाबों के बैटर को आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो याद है कि आपने पानी बहुत हाथ रोक रोक के डालना है। इसका जो मसाला और इसका जो बैटर है वो हम बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में चाहिए क्योंकि अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डल रही हैं। देखिए मैंने अभी 1 glass पानी डाला है, ये भी थोड़ा सा कम लग रहा है। अब इसको हम वेट देके तकरीबन आपने इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। मैंने इसे 15 मिनट जो है कुकर का प्रेशर दिया, अब इसके बाद जो है मैंने इसकी जो स्टीम थी वो मैंने रिलीज कर दी। अब मैं आपको देखिए गुलाब बन करते हैं बिल्कुल, आपको इसी फॉर्म में चाहिए। देखिए अब इस मिक्सचर को आपने ठंडा कर लेना है, या तो आप इसे कुंडी में पीस लें या चॉपर में डाल के पीस लें, मैं इसे चॉपर में पीसूंगी। शामी कबाबों का जो मिक्सचर था वो हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है।
अब जो शामी कबाबों का मिक्सचर पीसने के बाद उसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो साइज़ के थे वो मैंने प्याज लिए हैं, 6 से 7 अदद लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा है तो बड़ा ले लें, लेकिन आपने इसमें छोटा साइज डालना है, उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 बड़ी गुच्छी मैंने यहाँ पे हरे धनिया पुदीने के लिए और 1 बड़ी गुच्छी यहाँ पे मैंने हरे धनिया के लिए और 2 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए हैं जिनके मैंने जो थे बीज वो निकाल लिए थे। अब इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के हमने चॉप करना, याद रहे कि हमने इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, ये थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में हो, हमने इसे चॉप करना है। कबाबों के मिक्सचर को भी हम लोगों ने पीस लिया और हरे धनिए पुदीने टमाटर और हरी मिर्चों के मिक्सचर को भी हमने यहाँ पे पीस लिया और यहाँ पे हमने 2 अदद इसमें अंडे भी डाल दिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि हमने अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसकी कोटिंग जो है वो अंडों की नहीं होगी। अगर अंडे अंदर डाल दिए जाएं और उसकी कोटिंग बाहर से नहीं होती और अगर अंडे अंदर ना डाले जाएं तो फिर आप अंडे की कोटिंग करके कबाबों को फ्राई कर सकती हैं। ये देखें, अब ये मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। जब ये 10 से 15 मिनट बाद फ्रिज में ठंडे हो जाएंगे तो हम इसके छोटे छोटे कबाब या अपने साइज़ के कबाब या कबाब के सांचे से या हाथों की मदद से आप कबाब बना के रख लें। ये देखिए, मैंने शामी कबाब के जो मिक्सचर था उसके मैंने शामी कबाब के सांचे की मदद से मैंने जो है वो कबाब बना के मैंने रख लिए थे इस साइज़ के। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है शामी कबाब का, ना बहुत छोटा और ना बहुत ज़्यादा। अगर आपको हाथ के आप हाथ से भी बना सकते हैं शामी कबाब, अगर आपको पसंद है इसे बड़े बनाना आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन इसे छोटे मत बनाइएगा। अब मैं आपको फ्राई करके इसको सर्व करना सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, हमारे बिल्कुल डन। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ, चाय के साथ सुबह नाश्ते में आप इसे सर्व करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही एक और नई जबरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।